नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी ही पेचीदा रही है। कारण जो भी हो, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी जगह बनाए रखना नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब इस कुर्सी के पीछे का क्या रहस्य है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि ये कुर्सी मनहूस है। हालांकि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे और ना ही हम इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी की कहानी ही कुछ अलग है। यहाँ सीएम की कुर्सी बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा प्रतीत होने लगा है। राज्य का गठन हुए अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर 11 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी 5 साल तक वो कुर्सी पर बने रहे। बाकी कोई भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं रहा। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है और ये भी अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाए। तो कौन है अगला मुख्यमंत्री, कैसे चुने गए, सब बताते हैं। उससे पहले कुर्सी का खेल समझ लीजिए और मनहूस बंगले की कहानी भी। तो बात पहले मनहूस बंगले की कहानी, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत भी उत्तराखंड के उन 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लोगों की माने तो इसकी वजह है सीएम आवास। सुनने में यह बात शायद आपको अटपटी सी लगे, लेकिन उत्तराखंड के सीएम बंगले को राजनीतिक गलियारों में मनहूस माना जाता है। जी हाँ, राज्य का आधिकारिक सीएम आवास राजनीति में अशुभ बताया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस बंगले में रहने वाला मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। यही वजह थी कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आधिकारिक सीएम आवास में न रहकर राज्य सरकार के एक गेस्ट हाउस में रहते थे। तो अब सीएम हाउस की मनुष्यत की खबर को फिर से हवा मिलने लगी है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 में जब सीएम पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि उनके अंदर बंगले को लेकर कोई शंका या डर नहीं है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही त्रिवेंद्र रावत ने यह बात साफ कर दी थी कि वो मनहूस कहे जाने बंगले में ही रहेंगे और अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगभग 4 साल के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कहानी थी उस बंगले की जिसे सत्ता के लिए मनहूस कहा जाता है। खैर, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार भी बनी, लेकिन उनका एक भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अब तक अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। सिर्फ एनडी तिवारी सरकार राज्य की पहली सरकार थी जिसने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए। बता दें कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के नेता नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 को शपथ ली थी, लेकिन 1 साल के अंदर राजनीतिक हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। 5 साल राज्य में कांग्रेस की सत्ता रहने के बाद 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, फिर बीजेपी की जीत हुई और पहले सीएम के तौर पर 8 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी को सीएम बनाया गया, लेकिन सत्ता उन्हें ज़्यादा दिन रास नहीं आई और 23 जून 2009 तक ही वो इस पद पर बने रहे। इसके बाद बीजेपी ने खंडूरी की जगह रमेश पोखरियाल निशंक को सत्ता की कमान सौंपी। निशंक की कुर्सी भी चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ही चली गई। एक बार फिर राज्य का सीएम बीजेपी ने 2011 में खंडूरी को तो फिर से बना दिया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव हुए, इस बार कांग्रेस जीती, विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 साल पूरा होने से पहले ही कांग्रेस को भी सीएम बदलना पड़ा। 2 साल बाद हरीश रावत को राज्य की कमान सौंपी गई। साल 2017 में उत्तराखंड में फिर विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी मिला। 18 मार्च 2017 को सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम की शपथ दिलाई गई। उनके 4 साल ही पूरे हुए और आखिरी साल में अब उनकी भी कुर्सी चली गई। अब सत्ता की कमान सौंपी गई है उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत को। उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उपस्थित थे। तो सवाल ये कि कौन है तीरथ सिंह रावत, बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि सीएम की कुर्सी मिलते ही उन्होंने क्या कहा। तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना बड़ा भाई बताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है वो मैं निभाऊंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम बतौर सीएम किए हैं उन्हें मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो काम उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह ने किया वो पहले किसी ने नहीं किया है। प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अब बताते हैं कौन है तीरथ सिंह रावत। 56 साल के तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। 1997 से 2002 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री रहे। बता दें कि तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। 2012 से 2017 तक विधायक रहे। 2013 से 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था।
तीरथ सिंह रावत का जन्म 9 अप्रैल 1964 को पौड़ी गढ़वाल के असवाल सिंह के सीरो गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कलम सिंह रावत और मां का नाम गौरी देवी है। तीरथ अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। छात्र जीवन में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए थे। महज 20 साल की उम्र में साल 1983 में वो संघ के प्रांत प्रचारक बन गए थे और 5 साल 1988 तक बने रहे। रामजन्म जन्मभूमि आंदोलन में 2 माह तक जेल में रहे। तीरथ ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर उनके शिक्षा की बात करें तो तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर समाजशास्त्र में स्नातक करने के बाद पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर में पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति से जुड़ गए थे। साल 1992 में वो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गढ़वाल वीवी बिरला परिसर श्रीनगर के छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और जीत दर्ज की थी। इसी के बाद एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। अब सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही उनके सर पर चुनौतियां भी बहुत है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान इसलिए सौंपी गई है ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतकर सत्ता में एक बार फिर से ला सके। इससे पहले भी बीजेपी 2 बार अपने सीएम को बदलने का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सफल नहीं हुई, इसलिए यह रहा तलवार की नोक पर चलने जैसा होगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास हरीश रावत को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास ये एक बड़ा मौका होने वाला है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।